नमस्कार दोस्तों, राज एमकेडी में आपका स्वागत है। अभी मैं मेहरता रोड से यहाँ कलरू से 2-3 किलोमीटर दूर सीताराम जी की ट्यूबवेल आई हुई है। यहाँ पे मैंने सीताराम जी का काफी नाम सुना था, जो कि एक अच्छे स्नेचेवर हैं, तो आज इनसे मिलने के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो सीताराम जी से मिलकर बड़ी खुशी हुई, और सांपों के बारे में मैं इनसे थोड़ी जानकारी चाहूंगा, तो इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सीताराम जी, आप कितनी उम्र के थे जब आपने सांप पकड़ना शुरू कर दिया? मैं सांप पकड़ने का होगा सांप मौका में 16 साल हो गए पकड़ते हुए। सीताराम जी बता रहे हैं कि मुझे 16-17 साल हो गए सांप पकड़ते हुए, तो आपके मन में ये कैसे ख्याल आया, मतलब सांपों को पकड़ना या उनको सुरक्षित जगह पे ले जाके छोड़ना, मन में ये सब कैसा भाव आया? उसका भाव ऐसा आया जो शिव महादेव की रात्रि 10 बजे फिर बाद महादेव बाबा की आवाज आई। अच्छा, तो आवाज आई तो महादेव बाबा की, वो बच्चा डरना नहीं, इसको आप पकड़ना और आवेगा तुम डरना नहीं। हूँ तो खेत में, और जैसे श्याम बर्तन आएगा तो मैं श्याम को डरते 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 धीरे धीरे माचा के नीचे उतर के फिर बाद में उसको थोड़ा सा पहुँचने में हाथ गलिया, मैंने यहाँ चिमका, अरे यार के और अरे नहीं नहीं नहीं, और धीरे धीरे पकड़ा, पकड़ के विश्वास बन गया। उस विश्वास बन को यहाँ महादेव बाबा की सेवा है, और महादेव बाबा पड़चो है, महादेव बाबा ऊपर लम्बा हाथ है, महादेव अगर टिपू जब श्याम पकड़ने लगा। आपने अपनी जिंदगी में आज तक कितने सांप पकड़ के छोड़ दिए हैं जंगल में? अबे राजूराम जी, ऐसी बात है कि पर कोई भार ही नहीं, अंत फिर भी 2000, 5000, 10000। हाँ, कमों का ऐसा गप तो नहीं मिला, पर कमों का 10000 तो हाफ कम नहीं पकड़े। सीताराम जी का कहना है कि इन्होंने कम से कम 10 से 15 हजार सांपों की जान बचाई है, सुरक्षित पकड़ के उनको जंगल के अंदर छोड़ा है, जंगल के अंदर छोड़ दिया। तो आपने इतने सांप पकड़े हैं, कभी किसी सांप ने आपको काटा है आज तक? नहीं काटा, बिल्कुल नहीं काटा। आज तक कभी नहीं काटा? नहीं काटा था, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कराता। सीताराम जी का कहना है कि बोलो आज तक इन्होंने इतने सांप पकड़े हैं, मगर आज तक किसी भी सांप की इनको बाइट नहीं हुई है, आज तक किसी सांप ने नहीं काटा। लीला है, महादेव अगर कृपा है। आप किसी अस्त्र शस्त्र टोंग से सांप पकड़ते हैं या फ्री हैंडलिंग करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं? नहीं सर, कोई टोंग से करते नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में कुछ नहीं रखते। ये चलता है धरती के अंदर सांप, तो उसको जाके पकड़ लेते हैं। सीताराम जी फ्री हैंडलिंग करते हैं, इन्होंने कभी किसी टोंग हुक किसी का सहारा नहीं लिया है, और बता रहे हैं फ्री हैंडलिंग करते हैं, और भोलेनाथ की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही है, आज तक इनको कभी स्नेक बाइट नहीं हुई है। तो लोगों का कहना है कि आपके पास सांप को पकड़ने का मंत्र है कुछ ऐसा है, तो ये हकीकत है या झूठ है? देखो, सिर्फ भोलेनाथ का आपके ऊपर आशीर्वाद है या कोई मंत्र आता है आपको जिससे सांप को बांध सकते हो? उसका कोई मंत्र नहीं है, ये शिव शंकर भोलेनाथ का उसका हाथ है और उसका मुझे सीताराम जी से ये बात जान के बहुत खुशी हुई है। हाँ, कि सांप का कोई मंत्र नहीं होता है, कोई तंत्र नहीं होता, कोई झाड़ा नहीं होता है, सिर्फ हाथ की सफाई होती है। और जोगी लोग आपको आके पागल बनाते हैं कि मैंने सांप को बांध दिया है, मंत्र कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सांप का कोई मंत्र नहीं होता, सिर्फ ये आपकी आपकी हाथ की कला और आपकी किस्मत है कि वो आपको बाइट नहीं करता है, ये आपका आत्मविश्वास है। तो सीताराम जी के पास अपना आत्मविश्वास था और भोलेनाथ की कृपा थी, तो इन्होंने काफी सांपों को पकड़ा है। तो मैंने सुना है कि अगर किसी को सांप काट ले तो आप उसका झाड़ा भी लगाते हो? हाँ, उसको ये सांप काट देता नहीं तो उसको हटा जाते, झाड़ा लगा दे और फोन माते ही कहते हुए, तो फोन माते ही उसका झाड़ा। तो आप जो झाड़ा लगाते हो उससे वास्तव में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर किसी सांप इंसान को कालिंदार कोबरा काट ले, जहरीला सांप होता है वो, तो आप क्या कहना चाहेंगे, उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए या आपके पास झाड़ू मंत्र करवाने के लिए आना चाहिए? एक बार तो बीरू झाड़ा लगा था। अच्छा, और फिर बाद दिन क्या भाई, देखो विश्वास नहीं रखना, ये है नुगरा तो आप जाए सुई लगवा लें। तो सीताराम जी का कहना है कि मैं झाड़ा तो लगाता हूँ मगर फिर भी मरीज को हॉस्पिटल जाने की सलाह देता हूँ। हाँ, कि भाई जाओ तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी। बाकी जोगी लोग क्या करते हैं कि झूठ मूठ का आपके ऊपर झाड़ा मंत्र लगाते रहेंगे और आपकी जान को खतरे में डाल देंगे। जब उनके बस की बात बिल्कुल नहीं रहेगी तब वो जाके आपको मरने की हालत में रहोगे, तब वो आपको हॉस्पिटल का बोलेंगे। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर कभी किसी को भी स्नेक बाइट हो जाए
तो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े और जितना हो सके हॉस्पिटल जाए। इसी सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन आपको लगेगा और आपकी जान डेफिनेटली बच जाएगी। आपकी जान डॉक्टर ही बचा सकता है। तो सीताराम जी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। अरे बहुत इनसे आज देन्वाद, अच्छी भेंट रही है। और मेरतर ओर से आते वक्त मैं सीताराम जी के लिए एक छोटी सी भेंट लेके आया हूँ जो सीताराम जी को देना चाहता हूँ। सीताराम जी के सर्दी का मौसम है तो इनसे मिलने आया हूँ, तो इनके लिए मैं सोल लेके आया हूँ। भगवान अंदर देव भगवान देव पर आ गए किलो हाँ ले लो मिलो हैं हाँ हाँ मिल बैठो इनमें देखो मैं अच्छा सब नहीं बताए जो बैठो कि मैं कोई भी चीज है मैं ले नहीं सकता मैंने मना कर दिया। मैं तो प्रेम से लेके आया हूँ आपके लिए। मारी बात है तो अपनी श्रद्धा से अपने भाव से लेके आया हूँ। मैं आपने एक बात मैं भजन से अंदर पाल रही हूँ। यह हमारा महादेव अगर हुक्म है जन्म कियो के बच्चे जहाँ पे हो बीतो हो केड़ा भी हो बहुत भले हरे की आप हाथों दूर छिम के दे देते प्यार आपके दे हो के दूर नैन के देगी आदमी ऐसो ना ऐसो जाए ऐसो नहीं करनी बात मैं ऐसे नहीं करूँ। जो आप भुतने कह दिया मुंडो के भाई हौल हणो या वो हणो नहीं करनी बात एक चीज में तुम क्यों बोलो आप देखे तेरी कह जो चार ना कह जो बार ना कह जो मती रिको टोको ले जो मती लोभ लालच कर जो मती आप दिन में रह जो कोई आप नहीं रहे। तो आप जब सांप बिल में भरियो रहे हैं तो मैं सोनी सीताराम जी बार बुलाए ले दिन में तो कई तरीकों पर कई बात में आप सही ये बात में तो थोड़ी सी लोग मैं तो देखो हाँ जो भी है साफ की जो मैं तो झूठ मारो नहीं कही जाए भी मुँह मारो नहीं बुलाई जाए मैं भी उसमें अपन बाहर बैठे हुए तो महादेव बाबर की महादेव बाबर बचनों मिले है जब राग दा आगू हिलकना को नहीं ऊपर हो चाहे नीचे हो चार घंटा पांच घंटा बैठाना दस घंटा बैठाना दिख जाएगा यहाँ ये डोगरा तो महादेव बाबू बोले आगू नहीं हिल देखो दुनिया का घंटा के मैं तो देख झूठ नहीं बोला बाबू मैं तो हेजर सीधी बात क्यों हाँ नहीं नहीं आप मतलब वो जैसे हाँ बैठो सीधे हाथ कर लो हाँ अब आसा ले जाना आइए कोशिश डंक बड़े तो खाए महादेव बाबू बाहर ने कही तो डंक मतलब फण करिया बाद में भी खा तो सके जोगी लोग जो कहीं करे जोगी अड़ा कहीं करे दिन पकड़ी लाल बाल गबड़ गबड़ पकड़ पर जब आप लोग आते जीने से फिर लाल बाल पड़े थी चील पड़े थी करता है मुंडा हम गाली दे वो कहीं करे रिया बोल को है जी हाँ यों ये दांतों पकड़े भी फिर ने जब मैं पकड़ूं हाथ ले लो फिर हमें ने फिर अंकल का दांत है भी और कहीं है तेरे रूम से पतला आजकल युग है देखो सुग्रो है देखो मिनी उंदरा रेड मूछ मैं मुझे भाई कथे पगली वाला मैंने और साल ले मैंने आज तक मूछ वाला हाथ में लियो देखियो तो जरूर है देखो सब रोजन देखियो तो जरूर हूं बाकी मैंने मिलियो गन मूछ वाला वास इलाज में कौन मिली क्यों कौन मिले सही बना तो हां पकड़ लिया मैं तबर उंदा जो इते मन हाल याद आवे मैं 6 साल तो बाड़ार महीने में ओ जाडो लंबो कोनी ओचो हो जाए करे बूढ़ो हो जाए सांप और मुछिया हेड़ी सांप हां सही है मैं देखियो कौन देव तो राजेश सही के अब नहीं है
भाई मैं तो अब कितने पकड़िया बाहर ही अंतर है, अब कौन आ तुम्हारी योजना तक कौन रात्रि आवे दिन रही आवे मुड़कराने पहली तो कोई देख लो आ तो मोटरसाइकिल कोई जा इनके धक्के दो मोटरसाइकिल क्या। अच्छा दोस्तों, सीताराम जी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। और सांपों के प्रति इनसे मुझे कुछ अच्छी जानकारियां मिली, इन्होंने मुझे भ्रम में नहीं रखा, जो बात थी साफ साफ बताई। सांपों का कोई तंत्र मंत्र झाड़ फूंक कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक आत्मविश्वास और हाथ की सफाई होती है और थोड़े महादेव जी की कृपा होती है, और आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए तभी सांप के अंदर हाथ डाला जाता है, वरना सांप इतना जहरीला होता है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो उसकी मौत निश्चित है। तो आज के युवाओं से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सांपों से छेड़छाड़ी करने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास सांप पकड़ने का प्रशिक्षण नहीं है तो सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप अपनी मौत को न्योता दोगे। तो सीताराम जी से मिलकर बहुत खुशी हुई और अब मैं जा रहा हूँ वापिस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर ओके करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल करें। ऑल करने से मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आती रहेगी और सांपों के प्रति आपको अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। आपका अपना दोस्त स्नेक लवर राज खिची।